ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? आपसे पूछ रही हूँ ऑस्मोसिस क्या होता है. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और इस मूवमेंट को अगर रोकना है तो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. इस फ्लो को, जो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को फ्लो जा रहा है, इसे रोकना है तो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. डेफिनेशन लिखो. द प्रेशर डैट इज यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. द प्रेशर डैट इज यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. कम इन. एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंडेड डैट. थैंक यू. एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंडेड डैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी. कम इन. मोलैरिटी एंड टेम्परेचर. दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी. वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सी इज मोलैरिटी एंड टी इज टेम्परेचर. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं. दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट. वेयर दिस आर इज गैस कांस्टेंट. अब मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सी की वैल्यू लगी पता है, एन टू अपॉन बी. पुट द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी इन इक्वेशन नंबर वन. कर लिया ये. पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर वन. क्या है इक्वेशन वन? पाई इज इक्वल टू सी आर टी. पाई इज इक्वल टू एन टू वी आर टी, वेयर एन टू इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. वेयर एन टू इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. इफ N2 is number of moles of solute and V is the volume of solution. If W2 gram of solute, W2 gram of solute and M2 is molar mass of solute present in a solvent,
present in a solvent, come in. Then equation number 2 can be written as, कैसे लिखेंगे? Pi is equal to N2V upon, ये equation number 2. अब हमें दिया है number of moles, कैसे निकालते हैं? Number of moles, given mass upon molar mass. कितना है given mass? W2, molar mass, M2 upon V, RT. Pi V equals to W2 RT upon M2. This is the derivation of osmotic pressure. और जो इक्वेशन यूज होती है न्यूमेरिकल में वो है ये वाली इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू सीआरटी. नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. क्या होते हैं ये? 10th क्लास से ये टॉपिक शुरू होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. What are isotonic solutions? Iso means same. Isotonic solution. लिखो इसकी definition. The two solution having same osmotic pressure at a given temperature, the two solution having same osmotic pressure at a given temperature is known as isotonic solution. Hypotonic solution. At a given temperature is known as isotonic solution. Second is hypotonic solution. If the solute have less osmotic pressure, then other solution is known as hypotonic solution. Next is hypertonic solution. If the solute has more osmotic pressure than the other solution, then it is known as hypertonic solution. If the solute has more osmotic pressure than the solution, then it is known as hypertonic solution. Then the solution is known as hypertonic solution. For example, लिखना नहीं है, समझा रही हूं. Dehydration होती है, क्या होता है डिहाइड्रेशन? पानी की कमी हो जाती है. आप लोग हॉस्पिटल जाते हो डिहाइड्रेशन के लिए, क्या चढ़ाते हैं? वो ग्लूकोज नहीं होता है, वो होता है सलाइन वाटर. कुछ नहीं चढ़ाते, वो ग्लूकोज नहीं चढ़ाते, सलाइन वाटर होता है. ये होता है सॉल्ट वाटर. जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमारी बॉडी में कमी हो जाती है पानी की, तो वो सॉल्ट वाटर देते हैं. और वो हमें ऐसे नहीं दे देंगे आपको कि थोड़ा सा नमक डाला और पानी डाल दिया, दे दिया. वो एक इक्वल क्वांटिटी लेते हैं. जितना आपके सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल वो सलाइन वाटर फॉर्म करते हैं. वो होता है 0.9%.
इतना डालेंगे तो आपकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। जितना सेल का था उतना बाहर से आपको दिया, मतलब इक्वल क्वांटिटी दी दोनों की, इक्वल क्वांटिटी किया उसको, वो हो गया आइसोटोनिक। अगर आपको मैं दे दूं आपके सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है 0.9 है, मैं आपको यहां पे दे रही हूं 10%, तो क्या होगा? आपके सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.9, मैं आपको ज्यादा पानी दे रही हूं, नमक की मात्रा कम है, ज्यादा पानी है, तो सेल क्या करेंगे? पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्जॉर्ब करेंगे, सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। जब सेल स्वेल हो गया तो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, बाहर से हम ज्यादा दे रहे हैं, तो सेल क्या उसको ऑब्जॉर्ब करेगा पानी को, तो वो आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका रिवर्स करो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का आपका 0.9, मैं आपको दे रही हूं 0.7, तो क्या होगा? कम मात्रा दे रही हूं, जितना आपको चाहिए कम दे रही हूं, तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा? सेल से पानी अपनी तरफ लेगा, इसमें पानी की कम मात्रा कम है, इधर ज्यादा है, अब सेल क्या करेगा? अपना पानी देगा इसको, सॉल्यूशन को जो आप बाहर से दे रहे हो, तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। जो ये सेल श्रिंक हो रहा है, ये होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? हाइपरटोनिक में अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होता है, बाहर का ज्यादा होता है, इसलिए ये सेल स्वेल हो रहा है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का कम होता है, तो वो अंदर से बाहर को खींचेगा, सेल क्या है? श्रिंक हो जाएगा। तो ये कंडीशन आती है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपको होमवर्क है इन तीनों के बीच में डिफरेंस लिख के लाना है। नेक्स्ट टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स फ्रॉम हाईर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती है, और जो ऑस्मोसिस है उसमें सेमी परमिएबल मूवमेंट मेम्ब्रेन होती है, और जो ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन होती है जिससे सॉल्वेंट पास होता है। ये है सॉल्यूशन, एक है ये। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिससे ये मूवमेंट होगी और इधर जाएगी। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो ये ऑस्मोसिस होता है इसमें सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं, सॉल्यूट नहीं करते हैं। सॉल्यूट का पार्टिकल जो है वो साइज में बड़ा होता है, और ये मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होती है। और जो डिफ्यूजन है उसमें पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी पास हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ये मेम्ब्रेन यूज नहीं करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, घर में सब लगाते हैं, घर में सब लगाते हैं, स्कूल्स में लगे होते हैं आरओ। क्या होते हैं वो? वो होता है ये प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हाईर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इसे रिवर्स करना है तो वो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या कर रहे हो आप? ये हाईर कंसेंट्रेशन वाला, ये लो कंसेंट्रेशन वाला है। आप यहां से मूव कर रहे हो यहां तक, कब तक मूव करते हैं? जब तक ये इक्वल ना आ जाए। हम प्रेशर लगा रहे थे यहां पे ताकि ये स्टॉप हो जाए मूवमेंट, यही लगा रहे थे। प्रेशर कहां लगता है? जिस तरफ ज्यादा होती है कि जिस तरफ कम होती है? जिस तरफ ज्यादा होगी उस तरफ प्रेशर लगेगा, कि जिस तरफ कम होगी उस तरफ? हम मूवमेंट कहां से कर रहे हैं? हाइयर टू लोअर। प्रेशर किस तरफ करेगा? लो की तरफ। जितना हम प्रेशर कितना लगा रहे हैं ताकि ये मूवमेंट रुक जाए, उससे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया हमने, लगाया ये मूवमेंट जो स्टॉप होगी। अब हमने और एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, लगाते गए तो ये रिवर्स हो गया। जो यहां से मूवमेंट थी उनकी मूवमेंट वहां जा रही है, वो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। लिखो, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ प्रेशर larger than the osmotic pressure is applied, if the pressure larger than the osmotic pressure is applied
to the solution that is now the pure solvent flow out of the solution through the semi-permeable membrane. This process is known as reverse osmosis. क्या बोल रहे हो आप? जो इन दोनों को हंसी आ रही है, आपकी आवाज थी पीछे से. नेक्स्ट टॉपिक इज एबनॉर्मल मोलर मास. What is molar mass? Abnormal को छोड़ो, पहले बताओ molar mass. Mass of the molecule. This side, what is abnormal mass? Sorry, molar mass. बताइए जरा आप, अब क्या होता है molar mass? कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर मास को? आपको मैं दे रही हूं C2H5OH, इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे करेंगे मोलर मास को कैलकुलेट? अनन्या के साथ जो बैठी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर मास को? 46 है, कैसे? किसको प्लस किया? मोलर मास को? कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 16, इसको प्लस करके किया कितना आया? 46. क्या ये ठीक है अनन्या? ठीक है ये? क्या होगा? 24, 5, 16. तो वही लिखा था 60. कितना आया? 46. अब आया 46, उसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा था? बैठ जाओ. ये आया मोलर मास. जब ये एग्जैक्ट वैल्यू मोलर मास कितनी होती है हमें ये पता है कि कैलकुलेट करके इतनी आती है. जब मोलर मास में वैल्यू इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास. क्या पूछ रहे हो उससे? कुछ नहीं तो क्या बातें हो रही हैं फिर? खड़े रहो दोनों ही. जो हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकालते हैं, उस वैल्यू में अगर कोई वैल्यू इंक्रीज आ गई, इसकी 46 आ रही है, 47 हो, ये 45 हो, ये अब नॉर्मलिटी आ रही है. एग्जैक्ट हमें पता है कि इथेनॉल की 46 होती है. आप कैलकुलेट करके 45 ला रहे हो, 46 ला रहे हो, ये जो एबनॉर्मलिटी आ रही है इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास. ये जैसे आप एसिटिक एसिड, जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, इसका मोलर मास कितना होता है? एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 60. जब इस एसिडिक एसिड को बेंजीन में डालते हो तो उसका मोलर मास 60 नहीं आता है, उसका आता है 120. ठीक
ठीक है, यही है अबनॉर्मलिटी। जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हो तो एसिटिक एसिड जो है वो डाइमर की फॉर्मेशन कर देता है, मींस CH3COHNH, यही एसिटिक एसिड, यही एसिटिक एसिड, यही एसिटिक एसिड CH3COOH, यही होता है, ऐसे बनाते हैं एसिटिक एसिड को, ऐसे बनाते हैं। सोच लो अभी भी, एसिटिक एसिड मैंने ठीक बनाया, दोनों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ये लो कार्बन की इंबैलेंस हो गया। हाँ जी राइट, बताइए कैसे करते हैं, CH3C OOH, ये आता है एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। जब इसको आपने एसीटोन में डाला है, जब इसको आपने बेंजीन मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाला है तो ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मींस इसने बना लिया इधर, CH3 कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, इसको बेंजीन के डालोगे तो बेंजीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर गया एसीटोन, इसने बना लिया डाइमर। डायमर मीन्स जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं उसे बोलते हैं डाइमर। डाइमेंशन कर दी, अब यहाँ पे एसिटिक एसिड का क्या मोलर मास 60 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा 120। तो अब हम तो बोलते हैं एसिटिक एसिड का 60 होता है मोलर मास, यहाँ तो एसिटिक एसिड का 120 आ रहा है, तो ये जो एबनॉर्मलिटी आ रही है ये होती है एबनॉर्मल मोलर मास। लिख लो, अ मोलर मास That is either lower, a molar mass that is either lower or higher than the normal value, higher than the normal value is known as abnormal molar mass. एग्जाम्पल एसिडिक एसिड इन बेंजीन, द मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइमराइजेस इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्ट्रक्चर बना लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बना लिया स्ट्रक्चर, अब ये एबनॉर्मलिटी जो आ रही है इसको सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे वॉन्डहॉफ, उन्होंने एक आई फैक्टर दिया जिसको बोलता जाता है आई फैक्टर, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इन वैल्यूज के साथ तो ये जो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो लिखो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वॉन्डहॉफ इन 1880 introduced the factor I which is known as Wondt-Hoff factor. Which is known as Wondt-Hoff factor. So the factor I, it can be defined as
normal molar mass, it can be defined as normal molar mass divided by abnormal molar mass. It is defined as normal molar mass upon abnormal molar mass. अब इसी को हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में लिखने, तो कैसे लिखेंगे? I is equal to observed कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी divided by calculated colligative property. अब calculated properties जो हमने पढ़ी, पहले बताओ कौन सी है first? First कौन सी पढ़ी है? Colligative property. Relative lowering in रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. क्या डेरिवेशन की क्या इक्वेशन आई थी? इक्वेशन क्या आई थी? डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन या काई बी, यही आई थी. अब हमने इसको वन ऑफ फैक्टर की टर्म में लिखना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई, मल्टीप्लाई विद आई फैक्टर, तो ये सॉल्यूशन का प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व हो जाती है. सेकंड कौन सी पड़ी थी? सेकंड कौन सी थी प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्या डेरिवेशन है उसकी? क्या आई है इक्वेशन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम. अब इसको हमने लिखना है वॉन डॉर्फ फैक्टर की टर्म में, तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय विद आई. थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्या इक्वेशन थी? डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम. इसको भी मल्टीप्लाई बाय विद आई. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट वाली की आज सॉल्व किया, ऑस्मोटिक प्रेशर की पाई इज इक्वल टू सी आर टी. इसको वॉन्ड हाफ के साथ करना है मल्टीप्लाई बाय विद आई. लिख लिया. Write down the difference between the ideal and non-ideal solution. Question important hai. Ideal and non-ideal solution. Likho ideal mein. The solution which obeys the Rolle law. The Rolle law R A O U L T law at all temperature and concentration. At all temperature and concentration. Non ideal mein likho. The solution which do not obeys the Rolle's law at any temperature and concentration. Second point, there is no change in the volume. There is no change in the volume on mixing, that is delta V is equal to zero.
नॉन आइडियल देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग दैट इज डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो थर्ड पॉइंट देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग देयर इज नो एंथैल्पी चेंज इन मिक्सिंग दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो नॉन आइडियल देयर इज एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग दैट इज डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो फोर्थ पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन देयर इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज बोथ आइडियल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन नेक्स्ट पॉइंट द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन प्योर कंपोनेंट्स फिफ्थ पॉइंट नॉन आइडियल में द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट The interaction between the components are different to those of pure components. Sixth point, example of ideal solution. Benzene and toluene, bromoethane, benzene and toluene, bromoethane and iodoethane. Chlorobenzene and bromobenzene. Non-ideal solution. Example, acetone and chloroform. Acetone and benzene. Aniline and acetone. Aniline and acetone. With this, your chapter is finished. ये पूरा chapter आएगा आपको परसों test में. Roll number one. आप स्तुति वालिया. Roll number 7. Roll number 43. Roll number 1. Roll number 2. Roll number 3. Roll number 4. Roll number 6. Roll number 52. Roll number 8. Roll number 9. 11. Roll number 12. 14. Roll number 14. Roll number 15. Roll number 16.
बातें नहीं। रोल नंबर 17, रोल नंबर 19, 20, रोल नंबर 21, रोल नंबर 22, 24, 25, रोल नंबर 27, 29, रोल नंबर 29, 30, 32, रोल नंबर 33, 34, रोल नंबर 35, 36, 37, रोल नंबर 38, 39, रोल नंबर 40, 41, 42, रोल नंबर 44, बातें नहीं पीछे, 46, रोल नंबर 60, 47, 47, रोल नंबर 48, 49, रोल नंबर 50, 51, रोल नंबर 51, किस किस को पेपर नहीं मिला? आपको नहीं मिला? मिल गया? मिल गया? कितने? 9. हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं इस क्लास में? 15. इधर किसी के हैं 15? क्या दिक्कत आ रही थी आपको पेपर में? लेंथी था पेपर, लेंथी था, बस यही दिक्कत थी। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है। अब पेपर टू जो है ये शॉर्ट होगा, ठीक है? आपको लेंथी में प्रॉब्लम हो रही थी, पेपर टू शॉर्ट होगा। पर क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना, पूछा क्या है। आपने पूछा कुछ हो रहा है, करके कुछ हो रहा है।